अच्छा भेल ने यहाँ पे पहले गेंदबाजी करने ने लिया है, काफी संभावनाएं है। उन्होंने प्रभावित भी किया, इस बीच में बॉल को कट करना चाहते थे, अगर स्लिप में फील्डर मौजूद होते तो निश्चित रूप से एक संभावना बन सकती थी। फिलहाल 4 रन मिले। बात कर रहे थे मोनू मोर और मयूर तिलवे की। मयूर तिलवे जिन्होंने एक शतक लगाया था और आज भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, जैसे कि आपने देखा। और आखिरकार यहां पर ये लीजिए सफलता मिली, बोल्ट हेमंत ने यहां पे वो काम कर दिया जो उन्हें करना चाहिए था और पहले विकेट का पतन आखिरकार यहां पर हुआ है। ये देखिए, चले बॉल को डिलीवर्ड किया और ये बॉल प्ले डाउन हो गया यहां पर एनसी बट। दरअसल ये बॉल जैसे देखा थोड़ा सा गुडलिन से आगे का बॉल है, कह रहे हैं गेंदबाज से उधर से वापस है। ओहो ये बढ़िया स्लो यार कर, वाह क्या कमाल का गेंद, क्रॉस चले गए खेलने के लिए बल्लेबाज शंकर और विकेट नंबर 2 यहाँ पे इनाम सा मिलता। वह गौरव के ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे लेकिन यहाँ पर गौरव की चतुराई, ये देखिए क्या बढ़िया स्लो यॉर्कर उन्होंने डिलीवर्ड किया और बॉल की लाइन को मिस किया, क्रॉस गए खेलने के लिए और बिल्कुल बैकऑफ सर, क्या बेहतरीन निर्णय अंपायर का, बिल्कुल ऑफ ऑर्बिट स्टंप का ये बॉल था, बिल्कुल निशाने का बॉल था। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये लीजिए आते ही बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, पड़ने के बाद बॉल अंदर आया और राहुल आए और गए। यहाँ पर ये लीजिए विकेट नंबर 3 21 के योग पर। ये और नौ स्ट्राइक की गेंद के बल्लेबाज के हाव भाव देखिए, नौ स्ट्राइक की गेंद के बल्लेबाज ने तो तुरंत जैसे ही बोल्ड हुए उन्हें तुरंत बोला, ये देखिए कैमरे में आप देखेंगे क्या बढ़िया अंदर आया बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल, ओ बढ़िया अंदर को बॉल आई, भाग्यशाली चौका मिल जाएगा। जी हाँ जी नहीं, रोक लिया था लेकिन फिर भी बॉल मानी नहीं, बड़ी जिद्दी निकली। जैसे 4 रन मिलेंगे, बल्लेबाज रक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे इस बॉल को। एक बार फिर देखिए कितना बढ़िया अंदर को आया, मैं इसे इनस्विंग नहीं इनकटर कहूंगा, अगर ये बॉल का टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर होता तो एक आदर्श इनकटर ये होता। अच्छा बॉल पड़ने के बाद अंदर आई और बॉल सीधा उनके मिडिल स्टंप पे जाकर, मिडिल स्टंप गिरी भी नजर आ रही है, दरअसल लगने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में आई ये बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद। मतलब सर ये बॉल देखिए कितना अच्छा अंदर आया, ये देखिए ऑफ स्टंप पे पिच हुआ और बल्लेबाज बड़ी जल्दी कमिटेड हो गए थे लेट कट के लिए। जनरल परवेज मुशर्रफ भी दीवाने रहे पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति। देखिए भारतीय क्रिकेट इस बीच में कोई गलती नहीं की, विकेट गिर गया MTNL का, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन स्टोक की ताकत नहीं लगा पाए, इसका परिणाम ये कि विकेट गंवाना पड़ गया बैटर को। महेंद्र सिंह धोनी की हम चर्चा कर रहे थे भारतीय क्रिकेट में, उन 54 बॉलों के ऊपर लगभग 80 से 90 रन बनाने में सफल रहते हैं तो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति कही जा सकती है MTNL की। फिलहाल 4 रन मिलेंगे, आखिरी समय में बॉल की गति का उपयोग किया था, थर्डमैन क्षेत्र में खेला 4 रनों के लिए। प्रोजेक्टेड स्कोर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर इसी रन औसत की दर से रन बनाएंगे तो 77 रन तो कम से कम बनेंगे ही। जी हाँ पीछे गए थोड़ा क्रॉस, BCCI में एक चीज अब अच्छी होने लगी है और उसकी देखा देखी शायद पड़ोसी मुल्क भी करने लगा है। BCCI में अब जैसे सौरव गांगुली अध्यक्ष रहे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक लंबा अनुभव क्रिकेट का, कल्पना नहीं की जा सकती थी। रशिया में भी क्रिकेट हुआ, फिलहाल जोर से मारा फाइन थर्ड बैन बाउंड्री के बाहर, जहां चाह रहे थे वहां नहीं मार पाए लेकिन जो चाह रहे थे वो हुआ। 4 रन के लिए स्ट्रोक खेला, 4 रन मिले। ये देखिए ऊपर का बॉल देखते ही बल्लेबाज सरप्राइज हो गए। क्रिकेट के खेल के विकास की अगर बात करें तो जहां भी ब्रिटिशर्स रहे, जहां पर भी उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में टीम कोल इंडिया ने, और अंतिम 6 गेंद पर यहां पर 24 रन चाहिए, 14 रन चाहिए क्षमा कीजिएगा, 19.2 ओवर 161 रन, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए। यहां पर एक और विकेट का पतन, स्टंप आउट, इधर भी उधर भी इधर भी, उधर बोले तो उषा मार्टिन में सुल्तान अहमद आउट हुए हैं 19 गेंदों पर 31 रन, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं लगा पाए, हेमंत मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। आखिरी बॉल इस इनिंग की और क्रीज के बाहर आए
विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, इसी के साथ 113 के योग पर नौवां विकेट खो दिया एमटीएनएल की टीम ने। निर्धारित 20 ओवर्स में बीएचएल की टीम ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग का फैसला किया था। फिलहाल यहां पर एमटीएनएल की पारी समाप्त हो चुकी है 113 के योग पर। एलबीडब्ल्यू की संभावना होती नहीं। ऊपर का बॉल फ्रंट फुट निकाला, बढ़िया पंचिंग ड्राइव, चार रन मिलेंगे लॉन्ग ऑफ आउट के बाहर गौरव के बल्ले से। ऑफिसर के बाहर सीधे बल्ले से खेल दिया, कवर एरिया में फील्डर बॉल को रोक पाएगा जी नहीं, चार कवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर पवार। ओ बढ़िया बॉल, क्लीन बॉल, वाह यहां पर बढ़िया, क्या कहेंगे इसे आर्मर, क्योंकि नेचुरल जो टर्न है वो ऑफिसर के बाहर मिलना चाहिए था गेंदबाज को, विपरीत टर्न लिया, रॉन्ग वन जिसे कहते हैं, अंदर को आया बॉल और बल्लेबाज कट के लिए कमिटेड थे गौरव। ये देखिए तेजी के साथ अंदर आया बॉल और स्टंप से टकरा, ये देखिए विकेट कीपर की कुछ ही देखते ही बनती है। बीबी खेल रुका हुआ है तो सर मैं यहाँ पे कहूँ ये खेल की तो आदर्श कंडीशन नहीं है, क्या मैं कहूँ, क्योंकि आप भी अंपायर हैं सर, तुरंत निर्णय शायद मैच को रोकने का लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर खेल रोकने की बजाय अगर खेल जारी रखें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तो कैमरा फिलहाल मुकाबला जैसे ही प्रारंभ होगा तो हम आपसे मिलते हैं ये बताते हुए कि मौसम का व्यवधान हो चुका है, हम इसे इंद्रदेव का आशीष समझेंगे, आशीष की फुहार। चलते हैं स्पोर्ट्स के स्टूडियो वापस, धन्यवाद।